नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में गन्ना दफ्तर मुख्यालय में। यहां पर भारतीय किसान यूनियन चड़ूरी ग्रुप कुछ मांगों को लेकर के धरने पे यहां बैठा हुआ है। काफ़ी तादाद में यहां महिलाएं और पुरुष हैं। इन किसानों की क्या मांगे हैं, आइए आपके सामने इन्हीं के द्वारा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शांतिभूषण सिंह है, मैं चिरूनी ग्रुप से जिला अध्यक्ष हूँ बाराबंकी का। अध्यक्ष जी, आप लोग जो इतना बड़ा आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे जो फैजाबाद और लखनऊ हाईवे पर एक टोल प्लाजा पड़ता है अहमदपुर, वहाँ पर जो टोल के जो मैनेजमेंट है पूरा, वो लोकल के 20-25 लोगों को रखता है और लोगों से अभद्रता करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, मारपीट करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के 13 तारीख को उपजिलाधिकारी रामसनेही घाट को मेरे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था 6 सूत्री, लेकिन उपजिलाधिकारी महोदय ने उस पर कोई काम नहीं किया, वो बैठे रहे। जब 25 तारीख को हम लोग आंदोलन करने आए, दुर्भाग्यवश उससे पहले एक मारपीट हो गई थी, वहाँ लोकल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे उनसे, टोल कर्मियों से मारपीट हो गई थी। हम लोगों के आंदोलन को उन्हीं से जोड़ दिया गया और जोड़ने के बाद हम लोगों के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया। वो मतलब टोल प्लाजा वालों की तरफ से नहीं, पुलिस वालों ने लिखवा दिया मुकदमा, सरकारी मुकदमा लिखवा दिया उन लोगों ने। तो अब जो आपने इसके पहले ज्ञापन दिया था, उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्यवाही नहीं हुई, तहसील प्रशासन कान पे हाथ रखे हुए आराम से बैठा हुआ है। आज की इस ज्ञापन में आपकी कौन कौन सी मांगें जुड़ी हुई हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि DM साहब से, यहाँ LIU के लोग हैं, वो DM साहब से हमारी वार्ता करवा दें और जो भी हमारी जो 6 सूत्री पहले से मांगे थी, उसमें जैसे टोल पे जानवर बैठे रहते हैं, तमाम लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनसे, तो टोल कर्मियों की जिम्मेदारी है कि या तो जानवर वहाँ ना रहें, या तो अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसका इलाज वो करवाएं। तमाम जो नियम भारत सरकार के हैं, उन नियमों का वहाँ पालन होना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो आज आपका एक दिवसीय संकेतिक धरना है, अनिश्चितकालीन हो सकता है? नहीं, अनिश्चितकालीन नहीं होगा, मौसम साथ ही समय नहीं दे रहा है। तो हम लोग आज DM साहब से केवल मिलने के लिए आए हुए हैं, सांकेतिक धरना है हम लोगों का। अगली बार जब अगर सुनवाई नहीं होती है तो भारी तादाद में आएंगे और फिर यहाँ जिला प्रशासन से कोई बात नहीं होगी, हम लोग प्रदेश की राजधानी की तरफ कूच करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। तो हमारे साथ में सक्रिय किसान नेता बलराम यादव जी मौजूद हैं। आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इनके परिपेक्ष में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो किसान नेताओं पे अहमदपुर टोल प्लाजा पर मुकदमे लिखाए गए हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए और उन दोषी टोल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वरना ये संगठन तो क्या, इस जनपद के तमाम संगठन किसानों के जो हैं, वो अहमदपुर टोल प्लाजा पहुँच करके उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय किसान यूनियन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा यूं ही नहीं लगाया गया है। अगर किसान धरती का सीना फाड़ करके अनाज ना पैदा करे तो इस धरती के ऊपर जीने वाला कोई भी मनुष्य अपना पेट नहीं भर सकता है। अगर किसान परेशान होगा तो समझ लीजिए पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। ये तो केवल एक नमूना है, किसान के नाम पे न जाने कितने संगठन हैं, जिस दिन एक हो करके पूरा आंदोलन खड़े करेंगे तो दोस्तों इस देश के अंदर सारी जो सरकारों की मनमानी चल रही है वो एक किनारे हो जाएगी और एक किसान का जो आंदोलन होता है वो मामूली नहीं होता है। जो किसान साल के 3 मौसम होते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, खेतों में बिताने की क्षमता रखता है और अपने हक और अपने अधिकार को अपने हाथों में लेकर के और अपनी आज़ादी को अपने स्तर से मनाना भी जानता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने किसानों ने बताया कि अगर हम लोगों की मांगें पूरी न हुई
तो अगला हम लोगों का जो आंदोलन होगा तो जिले स्तर पर नहीं होगा बल्कि प्रदेश स्तर पर होगा और साथ में अन्य संगठन भी इनके साथ में होंगे जो कि एक बड़ा आंदोलन होगा और जिला प्रशासन के लिए ये सरदर्द हो सकता है। अब देखना यह है कि आज के इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन का क्या रवैया होता है, किसानों की कितनी बातें मानी जाती हैं और कितना अनदेखा किया जाता है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।